हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के नाइस विद अर्जुन सर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर हर एक अपडेट मिलता है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और रिजल्ट नोटिस जारी किया है। क्या इस नोटिस में, चलिए देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए नोटिस देख लेते हैं, क्या नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, 26 सितंबर 2019 ये अभी का अपडेट है। क्या इस नोटिस में है, सूचित किया जाता है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के परिणाम विषयक विज्ञप्ति संख्या 45/2013-14 दिनांक 7 सितंबर 2019 के क्रम में संशोधित चयन परिणाम जारी किया जाता है। तो ये जो नोटिस जारी किया है, ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी का परिणाम में संशोधन करने के बाद उसका परिणाम जारी किया गया है। 373 पदों का विज्ञापन आयोग द्वारा जारी किया गया था। आरक्षण की स्थिति, अनारक्षित 157, ओबीसी 137, एससी 77, एसटी 2 और क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी हेतु 74 और भूतपूर्व सैनिक हेतु 18, स्वतंत्र संग्राम सैनी हेतु 7 पद आरक्षित हैं तथा विकलांग अभ्यर्थी हेतु कोई पद इसमें नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसमें हुआ क्या, इसकी परीक्षा 11/11/2018 को आयोजित की गई थी। प्रसंगत परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों से आयोग के निर्धारित मानक से उच्च अंक धारित करने वाले कुल 1261 अभ्यर्थियों से आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 16 मई 2019 द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख आदि की मांग की गई थी, जिसमें क्रम में निर्धारित अंतिम तिथि 3 जून 2019 तथा कुल 1133 अभ्यर्थियों ने अभिलेख आदि उपलब्ध कराए। प्राप्त अभिलेखों के उपरांत आयोग द्वारा 304 रह अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 अगस्त 2019 को संपन्न हुआ। इंटरव्यू में कुल 302 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और याचिका संख्या 13091/2019 अरुण कुमार अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21/8/2019 के समादर इंटरव्यू में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्रों का परीक्षण अनिवार्य अर्हता 2 के क्रम में पुनः विश्व विशेषज्ञ से कराया गया। तो ये जो रिज़ल्ट जारी किया गया है, इसमें संशोधन करने के बाद ये रिज़ल्ट जारी किया गया उत्तर प्रदेश की तरफ से, सॉरी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किया गया था। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।